पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो दो जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो दो जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, दो जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमाऊं ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश, एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमाऊं का कहना है, अधिकृत चीज है जी। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो ARTO प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में कितना आता कि इनके खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया? इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफ़ी पुराना है तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीज़ें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होते, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर मतलब ड्रिंक ड्राइविंग, मदरापान करके गाड़ी चला रहा था। अपनी तरफ से कोई चेकिंग का, कोई ड्राइव चलाने का? हमने अभी ऑलरेडी जो हाल फिलहाल की घटनाएं, मैंने अभी IG लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि पिछले 3 साल की जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं इनके आंकड़े निकाल के फिर से हम अपने SPs को जो इस बारे में कड़ी इंस्ट्रक्शंस वो करें। और कल मैं जो एक मंथली क्राइम मीटिंग ले रहा हूं सारे डिस्ट्रिक्ट SPs की VCs के माध्यम से, तो उसमें भी इस मैनेजमेंट को ट्रैफिक के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे नागरिकों की इसको प्रमुखता से इस बारे में बताया जाए। बस हादसा हुआ है और हम लोगों को भी जानकारी मिली कि नियर अबाउट 35 से ऊपर लोग जो है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जो लोग जो है दुर्घटना में घायल हैं उनको एम्स में लाने की प्रक्रिया चल रही है। 3 लोगों को अभी एम्स में लाया जा चुका है, उनकी हालत क्रिटिकल है, जिसमें से एक ही पेशेंट का नाम जाना जा चुका है, बाकी 2 अननोन पेशेंट के रूप में ही हम लोग अभी रजिस्टर्ड किए हैं।
एक पेशेंट और अभी हेली से आ रहा है। हमारे यहाँ से टीम में डॉक्टर मधुर उनियाल खुद ही जो है हेली एम्बुलेंस के द्वारा जो है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिन पेशेंट की ज़्यादा हालत खराब रहेगी उनको जो है यहाँ पे जो है रिफ़र करने के लिए वे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एम्स में जो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अलर्ट पे कर दिया गया है और माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आए हुए थे, उनको भी सारी चीज़ों की ब्रीफिंग दी जा चुकी है। और भी घायल आ सकते हैं? हाँ, एक घायल के आने की संभावना है, अभी एक घायल आ रहा है।